हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर लॉजिक्स। आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, इन द गिवन पेयर आइडेंटिफाई द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड इन ए एंड बी एंड मोस्ट एसिडिक इन सी एंड डी। देखो, आपसे बेसिकली ए और बी में से मोस्ट एसिडिक कंपाउंड पूछा है एंड सी एंड डी में से मोस्ट बेसिक कंपाउंड पूछा गया है। ठीक, अब देखो जो ए ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शंस में बेसिकली कॉन्जुगेट बेस बनाना होता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखो, एक बेंजोइक एसिड है एंड एक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है, और हमने ऑर्थो इफेक्ट में पढ़ा है कि भाई ऑर्थो पोजिशन पे बेंजोइक एसिड्स के केस में अगर आप ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी ग्रुप लगा दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ दैट ग्रुप, इट एनहांसेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड। Irrespective of nature of that group, if attached at ortho position, acidic strength is always enhanced. ये पढ़ा है, ठीक। तो basically second वाला सबसे ज़्यादा acidic होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, ठीक। तो A में second one is the most acidic, B में check कर लेते हैं। B में ortho effect नहीं लगेगा क्योंकि वो cyclohexane है, benzoic acids के केस में ortho effect applicable होता है, ठीक। ये बेंजोइक एसिड नहीं है, ध्यान से इसमें काम करना होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट बेसिस बनाने होंगे। चलो कोई बात नहीं, कॉन्जुगेट बेसिस बनाते हैं। कॉन्जुगेट बेस भी बनाने का मैंने आपको छोटा सा तरीका बताया था, H प्लस बाहर निकाल दो और जिस एटम से H लगा था उस एटम पे नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कर दो, क्लियर। तो एक नेगेटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ। अब देखो, सब कुछ कॉमन है, फर्क का है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ सी एच थ्री है। हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक, जबकि सी एच थ्री इट इज एन इलेक्ट्रॉन गिवर प्लस आई। जो हमारा सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन देके तुम इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एनहांस कर रहे हो। पहले ही वो इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसको अनस्टेबल कर रहे हो, जबकि यहाँ पे वो अनस्टेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन लिए नहीं जा रहे तो दिए भी नहीं जा रहे। आउट ऑफ दीज टू कंपाउंड्स, फर्स्ट वन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, हेंस दिस विल बी कंपैरेटिवली मोस्ट एसिडिक। तो जो ए ऑप्शन है उसमें तो सेकंड वाला ज़्यादा एसिडिक है, जबकि जो बी ऑप्शन है उसमें फर्स्ट वाला ज़्यादा एसिडिक है। अब सी और डी में बेसिक स्ट्रेंथ कंपेरिजन कर लेते हैं बेटा। सी में आपको एनिलीन गिवन है और एनिलीन के केस में भी हमने ऑर्थो इफेक्ट स्टडी किया है, ठीक। एनिलीन्स के केस में क्या होता है, अगर आप कोई भी ग्रुप लगा दो ऑर्थो पोजीशन पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ दैट ग्रुप, इट ऑलवेज डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस, इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ बेंजोइक एसिड एंड डिक्रीजेस द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन्स। यही ऑर्थो इफेक्ट था। तो इसमें ये ज्यादा बेसिक होगा, द फर्स्ट वन विल बी द मोस्ट बेसिक आउट ऑफ दिस टू, जी। अब इसी तरीके से NH2, इन्होंने बेंजीन को हटा दिया है और साइक्लोहेक्सेन में लगा दिया है। अब यहाँ पे कंपैरिजन के लिए बोला गया। अब देखो बेटा, नाइट्रोजन एक बेस की तरह बिहेव करता है, क्यों? क्योंकि उसके पास लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, हेंस इट इज अ गुड बेस। अकॉर्डिंग टू लुईस कंसेप्ट यही होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे वो बेस है। अब जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना ही अच्छा बेस। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अब सब कुछ फिर से सेम है, एक साइड पे हाइड्रोजन, एक साइड पे सी एच थ्री फिर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको एनहांस कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये जल्दी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, जबकि ये इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे तो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में भी मुश्किल होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का सहारा नहीं है कहीं से, इसको सी एच थ्री का सहारा है कि जाओ इलेक्ट्रॉन डोनेट करो, मैं तुम्हें और इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। तो इनमें से सेकंड वाला इज द मोस्ट बेसिक। तो अब देखो, ए वाले में सेकंड वन, जी, बी वाले में फर्स्ट वन, सी वाले में भी फर्स्ट एंड डी वाले में सेकंड। बी पार्ट आपका आंसर होगा, क्लियर। होपफुली आपको समझ आ गया। थैंक यू।